15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान पखवाड़े की शुरुआत की थी और इसके साथ जनता से अपील की थी कि इस पखवाड़े में खुद साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें और स्वच्छता के प्रति जनता को जागरूक करें। इसी कड़ी में शुक्रवार को उत्तरी पूर्वी दिल्ली जिला अधिकारी कार्यालय के सौजन्य से आशा वर्करों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें आशा वर्कर के साथ NM कर्मचारी शामिल रहे। रैली का शुभारम्भ सांसद मनोज तिवारी व जिला अधिकारी शशि कौशल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस रैली को शुरू करने से पहले सांसद मनोज तिवारी ने लोगों को प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान पखवाड़े के बारे में बताया। इसमें जिला अधिकारी शशि कौशल ने भी स्वच्छता अभियान पखवाड़े की सराहना करते हुए आशा वर्करों को जागरूक किया। देखिए, जो आशा वर्कर की व्यवस्था है वो उसका जो फुल फॉर्म है आशा का, उसको आप समझते हैं तो ये केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के प्रति जनता को जागरूक करने की एक ऐसी शक्ति है जो इतना अच्छा काम कर रही है कि उससे खुश होकर के प्रधानमंत्री जी ने इनके वेतन जस्ट डबल कर दिए और नवंबर से इनका बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। आशा वर्कर की, NMs की, आंगनबाड़ी की बहनों की ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने मान ली है और जो इनका काम है उसमें हम सांसद के रूप में भी सम्मिलित होना चाहते हैं। मैं DM को धन्यवाद देना चाहता हूं इस जिले के और पूरे जिला प्रशासन को, साथ में जो स्वास्थ्य के हमारे CDM हैं RK सहगल, ये सब लोग मिलकर के जो कार्य कर रहे हैं आशा वर्कर ANM बहन और आंगनबाड़ी बहनों के मार्फत, वो बहुत काबिले तारीफ है। इन लोगों को हम जितना सहायता देंगे, जितना इनका उत्साह वर्धन करेंगे, ये घर घर जाकर के सबको जागरूक करने का काम करेंगी और जागरूकता में ही दिल्ली और देश की भलाई। स्वच्छता अभियान के बारे में जो भी ये नॉर्थ ईस्ट में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से काफी काम कर रहे हैं और हमारे CDMO साथ में बाकी ऑफिसर डॉक्टर सैनी और हमारे ADM साहब और हमारा पूरा ही स्टाफ जो है साइड बाय साइड हमारे एरिया के MP साहब जो हैं और MLA साहब जो काफ़ी एक्टिव हैं इस बारे में स्वच्छता को लेकर। और स्वच्छता के लिए हम यही चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से स्वच्छ रहे, वहाँ पर साफ सुथरा रहे, जिससे कि कोई भी बीमारी का किसी के ऊपर भी कोई संक्रमण ना हो। अगर ये होता है, क्योंकि जो कुछ भी इन्फेक्शन आ रहे हैं और उन्हीं से जो बीमारी फैल रही है तो वो सबसे पहला कारण उसका जो होता है वो गंदगी है। अगर गंदगी से जो बीमारी को कंट्रोल करना से पहले अगर प्रिकॉशन ले लिया जाए और उस एरिया को स्वच्छ रखा जाए तो कम से कम वो बीमारी से हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे, बुजुर्ग, उन सबको हम बचा सकते हैं। हमारा सबका उत्तरदायित्व है देश के प्रति भी और समाज के प्रति भी कि हम खुद स्वच्छ रहें और अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, जिससे कि बीमारियों का संक्रमण न हो और हमारा देश, हमारा समाज स्वस्थ रहे। इन तस्वीरों में देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह से ये आशा वर्कर हाथों में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के संदेश लिखे बैनर लेकर चल रही हैं। ये रैली अंबेडकर कॉलेज से शुरू की गई और यमुना विहार मैटरनिटी होम पर समाप्त हुई। इस रैली में सहाद्रा उत्तरी जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता के साथ जिला अध्यक्ष कैलाश जैन के साथ आशा वर्करों ने भी अपनी भागीदारी के साथ जनता के लिए स्वच्छता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, सेवा है, इसमें सभी जगह से सभी लोग सफाई कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का हड़ताल है जिससे बहुत जगह पैनिक फैला हुआ है, लेकिन इसको समाधान करने का हम लोग पूरा प्रयास। देखिए, इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और इस देश के लोकप्रिय सांसद और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आशा वर्करों की, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी जो तनख्वाहें थी, जो उनकी मांग थी, जस्ट डबल कर दी है उनकी तनख्वाहें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही हर्ष का विषय है हम सभी के लिए। इसीलिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सांसद जी आए थे, उन्होंने सभी आशा वर्करों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया यहाँ से। देखिए, आज अम्बेडकर कॉलेज के अंदर हम लोग हैं, यहाँ पे आशा वर्कर के द्वारा स्वच्छता रैली निकाली जा रही है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छी योजना है स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए। समाज के हर अंग को, हर वर्ग को साथ में मिलजुल कर जुड़कर कार्य करना होगा और उसका एक ये प्रारूप यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके लिए आशा वर्कर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे सांसद महोदय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी भी यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं और बाकी सभी गणमान्य लोग यहाँ पर हैं।
सब मिलजुल कर यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि जो उन्होंने ये इतना बढ़िया प्रोग्राम स्वच्छता के हिसाब से पूरे देश में चलाने के लिए जो योजना बनाई उन्होंने हमें उम्मीद है कि ये पूरे क्षेत्र में पूरी गली गली तक ये संस्था जी सफाई अभियान को आगे चलाएगी। हम इसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कार्यकर्ता चाहते हैं। सब यह स्वच्छ अभियान में इकट्ठा हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास स्वच्छता रहे और हम सब इसमें भागीदार रहे। जब तक हम सब खुद से कोशिश नहीं करेंगे सफाई अभियान की, तब तक सफाई नहीं रह सकती। कर्मचारियों के भरोसे ना रह के हम सबको खुद अपने आप से भी सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई के ऊपर रैली की जा रही है सर जी। इसमें जो है जगह जगह कूड़ा फैला रहता है, गली मोहल्ले बहुत गंदे रहते हैं। इसमें सारी आशा वर्कर ऊपर से नीचे लोग जो है ये स्वास्थ्य के बारे में बताती है और साफ सफाई के बारे में भी जाके बताती है। कई बार अपने आप को भी झाड़ू लगा जाता है। और आज हम यहाँ पे सब लोग स्वच्छता अभियान के ऊपर एक साथ खड़े हुए हैं। हम यहाँ पे स्वच्छता अभियान के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं। हम सबको एक ही नारा है कि जल्द जल्द सफाई रहे। देश के प्रधानमंत्री की इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने में और जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में देश की राजधानी दिल्ली भी अपना अहम योगदान कर रही है, जिसका प्रमाण उत्तर पूर्वी जिला अधिकारी के सौजन्य से किए इस विशाल कार्यक्रम में देखने को मिला। प्रिंस के साथ आरती रजक, तेज निगाहें दिल्ली।